उमस वाली गर्मी से अगर आप परेशान हैं और एसी और कूलर खरीदने के पैसे नहीं, तो जुगाड़ वाला कूलर तैयार है। कहीं भी ले जाइए, खेतों में, खलियानों में, दुकानों में, इको फ्रेंडली इस कूलर को तैयार किया है गया के एक शिक्षक ने। गया के चंदौती सरकारी स्कूल की शिक्षिका सुष्मिता सान्याल ने मिट्टी के घड़े का उपयोग कर कूलर बनाया है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। इस कूलर में बेकार पड़े पेंट की बाल्टी और वाटर रबर पाइप का यूज किया गया है। बाजार से एक पंखा और एक मोटर खरीदी गई है। बाइक की यूज्ड बैटरी का भी उपयोग किया गया है। जो पुराना पेंट का डब्बा है, हम दिवाली में अक्सर अपने घरों को पेंट करवाते हैं और इस तरह के जो डब्बे हैं वो हम बाहर फेंक देते हैं या फिर कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। लेकिन अगर यही पेंट के डब्बे टूट जाते हैं तो कबाड़ी वाले भी उसको नहीं लेते हैं और हम इसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो इन सारी समस्याओं को, और ये होता है या फिर कोई भी मिट्टी का बर्तन हो सकता है, तो हमने उसको लिया और हम जानते हैं कि ये जो घड़ा होता है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं और इससे पानी रिसता रहता है और इवापोरेशन के द्वारा इसके अंदर का जो पानी है वह ठंडा होता है, क्योंकि इवापोरेशन में हमें ऊर्जा की भी ज़रूरत होती है, तो पानी से वो ऊर्जा प्राप्त करके इस पानी को ठंडा करता है। तो इसको एक घड़ी को लिया और उसमें ये बाल्टी हमने इसलिए यूज़ करी है ताकि ये जो घड़ा है उसको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी कर सकें। और एक ये जो ढक्कन है, ढक्कन वाली बाल्टी, उसमें एक पंखा लगाया इस तरह से और एक पुरानी जो बैटरी है जो बाइक के दुकान में हमें अक्सर मिल जाती है, ये बाइक की बैटरी, हमने इसे कनेक्ट करके घड़े का जो टेक्निक होता है उससे इस कूलर को हमने बनाया। सुष्मिता सान्याल की माने तो इस कूलर को बनाने में मात्र 400 से 500 रुपयों का खर्च आता है, जबकि ये काम अन्य कूलरों के बराबर करता है। सुष्मिता सान्याल को इस इन्वेंशन के लिए अवार्ड और फेलोशिप मिला है। प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार के जो परिषद है, पीएम स्टैक, मतलब प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, उनके तहत एक मंच, एक फेलोशिप का आयोजन किया गया और डॉक्टर के राघवन के द्वारा 3 मार्च 2021 को एक फेलोशिप की घोषणा की गई, जिसके द्वारा हम, मेरे जैसे जो नवोन्मेषी हैं, उन लोगों को एक मंच दिया जाए और उनको सशक्त करने के लिए एक फेलोशिप दिया जाए, ताकि हमारे जो विचार हैं वह कूड़े का किस तरह से टिकाऊ रूप से हम लोग निष्पादन कर सकें। मटके वाले इस कूलर को सुष्मिता खेतों में काम करने वाली महिलाओं को देना चाहती हैं, या फिर फुटपाथ पर ठेला लगाकर सामान बेचने वालों को, उनके लिए ये सस्ता और इको फ्रेंडली भी है। हम चाहते हैं कि ये जो कूलर है, हमारी जो महिला मित्र हैं जो खेतों में काम करती हैं, किसानी करती हैं, उनके लिए भी हम ये कूलर उनको देना चाहते हैं। हम ये कूलर जो पुरानी बैटरी होती है बाइक की, जो बैटरी को, जो सेकंड हैंड जो बैटरी ख़राब हो जाती है तो वो हम बदल देते हैं, तो पुरानी बाइक की बैटरी हम लेकर आए हैं और उससे इस कूलर को चला रहे हैं और साथ ही साथ सोलर ऊर्जा से भी हम इसको चलाना चाहते हैं। और आगे चलकर मेरा बहुत मन है कि कचरे से ऊर्जा उत्पादन कर किस तरह से इस कूलर को चला। लागत लग जाता है इस कूलर के लिए, हमें हार्डली 400 से 500 के लगभग लगता है और बहुत ही किफ़ायती है, इजी टू कैरी है। हमने बाल्टी का प्रयोग इसको इसलिए किया है क्योंकि मट्टी का घड़ा है इसके अंदर, वो टूट फूट ना जाए, इसलिए बाल्टी में रखकर हम इधर उधर इसको मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें लागत बहुत कम है। सुष्मिता के इस प्रयास की चर्चा हर तरफ हो रही है। अगर आप भी महंगे एसी या कूलर को नहीं खरीदना चाहते हैं, तो थोड़ी सी कोशिश करके आप भी बना सकते हैं मटका वाला कूलर और मस्त होकर ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।